वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान का पहला बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी पंजाब सूबे की तरक्की के लिए मुतहरिक है। 295 एकड़ अराजी पर मुहित जिसकी 1500 अरब की मुमकिन सरमायाकारी होगी। पहले मरहले में 4 अरब 20 करोड़ की लागत से कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मनसूबे पर काम तेजी से जारी है। तफसीलात शाहवेज बाजवा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पहले बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी सूबे की तरक्की के लिए कोशा है। कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे से ट्रैफिक के मसाइल होंगे हल। 295 एकड़ अराजी पर मुहित 1500 अरब की मुमकिन सरमायाकारी होगी। सीबीडी अथॉरिटी ने 12 कमर्शियल प्लाट्स नीलाम करके तकरीबन 60 अरब की सरमायाकारी इकट्ठी कर ली है। सीबीडी खसूसन पंजाब की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। इक्तसादी तरक्की, माहौल दोस्त इकदाम पर काम करने के साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार के कवी इम्कान भी पैदा करेगा। बेसिकली ग्लोबल फिनोमेना है। ये दुनिया के हर अच्छे शहर के अंदर एक फाइनेंशियल हब होता है, इकोनॉमिकल हब होता है, जिसे जिसके अंदर से आप फाइनेंशियल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का ये पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2021 में मार्ज़ वजूद में आया और हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है जुलाई 2021 में, और अब तक हम 2 ऑक्शंस कर चुके हैं जिसमें हमने 12 प्लॉट निकाले हैं। तो जो मास्टर प्लानिंग है उसमें तकरीबन 150 प्लॉट इस पूरी साइट पे मौजूद है। सीबीडी पंजाब ने तरक्याती कामों के लिए 11 अरब का बजट मख्तस किया है। सीबीडी पंजाब प्रोजेक्ट साइट पर आलमी मेयार का पार्किंग प्लाजा जेर तमीर है। 4 अरब 20 करोड़ की लागत से कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मनसूबे पर काम जारी है। मनसूबे में 2000 रेटिंग पाइल का इस्तेमाल होगा। जो सीबीडी पंजाब का पहला प्रोजेक्ट है, जिसे हम जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये वॉल्टन एयरपोर्ट की स्ट्रिप थी, ये तकरीबन 2300 कैनाल पर मुश्तमिल है। तो हमारा पहला टास्क था कि हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करें, जिसकी टोटल लागत तकरीबन 36 बिलियन है। हमने इसके सबसे पहले जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया वो हमने फेज़ वन का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके अंदर वाटर सप्लाई, सीवरेज, एमवी टनल, आईसीटी और रोड नेटवर्क सिस्टम है। पहले हमें स्कूल और कॉलेजेस जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, स्कूल से लेट हो जाते थे। इस मंसूबे की तकमील से वक्त में काफी मदद मिलेगी। पहले स्कूल वगैरह जाने में मुश्किल होती थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती थी। अभी ये मंसूबा बन जाएगा तो उम्मीद है कि ट्रैफिक वगैरह कम हो जाएगी और हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाने में आसानी हो जाएगी, टाइम पे पहुंच जाएंगे। ये बिजनेस हब है जी कलमा चौक, यहाँ पे सारी 3-4 राहें मिल रही है, जिसकी वजह से काफी ट्रैफिक के मसाइल थे। तो अब जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इससे वक्ती तौर पर थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन जैसे ही ये ट्रैफिक बन जाएगी रोड, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे और जो है ट्रैफिक का निज़ाम भी रवा दवा हो जाएगा। सीबीडी पंजाब के मंसूबे तरक्की में एक रोशन बाब की हैसियत रखते हैं। कलमा चौक अंडरपास की रिमॉडलिंग मंसूबे से ट्रैफिक के मसाइल भी हल होंगे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ शाहवेज बाजवा, लाहौर।